नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट स्तर हो रही आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों को हम इस वीडियो में इस प्रकार की बैटरी को कैसे चार्ज करें और ये वाली बैटरी कैसे चार्ज करें, ठीक है, ये दोनों बैटरियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बैटरी है आपकी ये डिस्चार्ज हो जाती है तो हमारे स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं, वो चार्ज नहीं कर पाते, प्रोसेस पता नहीं है उनको कैसे चार्ज की जाती। तो आज हम एक ऐसा एडप्टर बनाने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप दोनों बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हैं। हाँ, मानते हैं ये वाली बैटरी रिचार्जेबल नहीं होती है, ठीक है, लेकिन यदि नई बैटरी हो, और बाय द वे नई बैटरी होने के कारण बच्चे लोग क्या करते हैं कि कभी कभार ये वाला जो टॉप इस पर लगाया जाता है, टाइप से लगाया जाता है ऐसे, तो क्या करते हैं स्टूडेंट कि किसी प्रोजेक्ट में जब वो जोड़ते हैं तो उन्हें इतना तो आवाज नहीं होता, उतना ज्ञान नहीं होता है कि इसको कैसे कनेक्ट करें। तो हो सकता है कभी कभार उनके द्वारा ये डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी नई बैटरी हो ऐसे प्लस माइनस शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण वह डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन ख़राब नहीं होगी, ठीक है, तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगी लेकिन वो ख़राब नहीं होगी। उसको आप दोबारा चार्ज कर दें तो दो चार पांच बार ये पुनः वर्क में आ जाती है और आपका काम सही करने लगती है। तो ऐसी बैटरी जो स्टूडेंट ले जाते शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, उनको दोबारा वो चार्ज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं तो करना क्या है। इस टाइप का आपको एक एडप्टर लेना है, ठीक है, ये लिखा है 12 वोल्ट एडप्टर जो इस प्रकार की वीडिंग को जलाता है, ये वीडिंग इससे स्ट्रोब वाली लाइट इससे जलती है। इस टाइप का एडप्टर ले लें, ठीक है, और एडप्टर में क्या करना है आपको, यहाँ से आप एक एसी वायर कनेक्ट कर लें, इस टाइप का कोई एक ऐसी एसी वायर इसमें यहाँ से कनेक्ट कर लें ऐसे, ठीक है। इतना तो आपको यहाँ से करना है कि एसी वायर इसमें कनेक्ट करना और एक प्लेट लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना, अब इसका ये आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट देख रहा है, तो आउटपुट को क्या करना है आपको कट कर देना है, ठीक है, यहाँ से ये हमने आउटपुट कट कर दिया, ये देखें आप लोग, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है आप लोगों को, रेड वाला आपका प्लस है, ठीक है, और ब्लैक वाला आपका माइनस है, ये 12 वोल्ट का होता है, ठीक है, कितने का होता है 12 वोल्ट का, मैं आपको मेजर करा दूँ सर कि कितने वोल्ट का होता है, तो आप भी देख लेंगे, क्योंकि अगर ये ना मिले तो कोई भी 12 वोल्ट का एडेप्टर ले लो, ठीक है। चलो देखते हैं इसका वोल्टेज कितना, पहले इसको इन करते हैं यहाँ पर एसी प्लग में, फिर नापते हैं इसमें कितना वोल्टेज आउट हो रहा है, 12-16 वोल्ट इसमें आउट होना चाहिए, ये देखो, ठीक है, देखें आप लोग मीटर इसमें आपका कितना सो हो रहा है, 12-13 वोल्ट, ठीक है, देखा आप लोग, ठीक है। तो आप क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, आपको ये वाला, ठीक है, बैटरी वाला कैचर आपको यहाँ पर जोड़ना ऐसे, ये देखें आप लोग, ये जोड़ना है, ठीक है, जोड़ दिया, और दूसरा वाला आपको ब्लैक वाले में जोड़ना, रेड रेड ब्लैक ब्लैक, ठीक है, ये आपको जोड़ना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको एक वायर और जोड़ना है, उसको भी मार्क कर रहे हैं ब्लैक ब्लैक और रेड रेड, ठीक है, इसको भी आप इसी का कनेक्ट कर दें, ये आपका ब्लैक है, ये ब्लैक हो गया आपका, प्रॉपर अच्छी तरह से इसको टाइट करना आपको, और ये आपका रेड हो गया, समझ लो। तो एक एडाप्टर से आपको 12 वोल्ट एडाप्टर है स्ट्रोब वाला, ठीक है, इसमें आपको एक ये जोड़ना है और एक ये जोड़ना है, ठीक है, देखा आप लोग, आप जब ये अच्छी तरह से दोनों पॉइंट इसमें जुड़ जाए तो थोड़ा गैप करके आप ऐसे इस टाइप से गैप करके इसमें टेपिंग कर देना आपको, ठीक है, ये लो, इसमें टेपिंग करके इसको बिल्कुल बंद कर दो आप, इसके जो ज्वाइंट है वो बंद हो जाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है।
आपका ज्वाइंट बंद होगा अच्छी तरह से। ये ज्वाइंट आपके बंद हो गए, ठीक है। अब ये आपका ये पॉइंट बन गया और एक पॉइंट आपका ये बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, दो क्लिप लगानी है आपको, ठीक है। इस टाइप की क्लिप ये देखें आप, आपको क्लिप ऐसे लगानी है, ये लग गया आपका। इसी टाइप से आपको रेड वाली यानी मतलब पॉजिटिव वाली भी क्लिप आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। ये भी इसको लगा दो और थोड़ा लॉन्ग कर लो बार। लॉन्ग बार करने से अच्छी तरह से एक राउंड लग जाएगा छोटे से हॉल में, ये खेतने से बाहर नहीं, ऐसे कर लो। करने के बाद में ये जो पॉइंट है इसी ऊपर ऐसे आपको फोर्स लगा देगा ताकत से, ये देख लीजिए, ठीक है। अब देखें आप लोग, ये बैटरी आपकी, ओके। इस प्लग को आप यहाँ लगा दें, ऐसे लग गया। अब यहाँ पर आप मेजर करें कि 12 वोल्ट हमारा यहाँ आने लगा या नहीं आने लगा, तो मीटर की प्रोड लें और ऐसे इसको लगाएं। और दूसरी वाली आप इसको लगा दें और दूसरी वाली यहाँ लगा दें, तो चेक करते हैं 12 वोल्ट हमारा आया कि नहीं आया। ये देखिए आ गया आपका, आ गया 11-12 वोल्ट आ रहा, ठीक। तो आप क्या करना, जब ये वोल्टेज आप कन्फर्म कर लें तो आपको क्या करना, यहाँ आपको ये वाली बैटरी लगानी है, ठीक है। ये वाली बैटरी आपको इसमें लगानी है, ठीक है। तो देखें आप लोग, ये डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो चुकी है। अब हम एलईडी से इसको चेक करते हैं, बिल्कुल करंट इसमें नहीं, मामूली से करंट इसमें बिल्कुल, ये देखें करंट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जीरो है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपने चार्जर बनाया है इसको हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो ये देखिए, ठीक है, पूरा हो गया आपका कनेक्ट। आपको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वोल्टेज भी रेगुलर कर लेता, ये देखो ये 12 देखो आप लोग, ठीक है। आप इस टाइप से आप लगाकर इसको सिर्फ इस वाली बैटरी को आप कनेक्ट करने के बाद में सिर्फ 10 मिनट आप लगा के रख दें इसको, ठीक। तो 10 मिनट में ये आपकी बढ़िया रूप से चार्ज हो जाएगी। तो हम ट्राई करते हैं, देखें अब इसको डिस्कनेक्ट करके देखते हैं। ये हमने हटा दी इसको, अब देख ये देखें पहले आइए वही चार्ज आपकी देखा आप लोगों ने। तो अभी जबकि हमने सिर्फ आधा मिनट इसको लगाया है, हम लॉन्ग टाइम तक इसको लगाते हैं, ठीक है। अब ये बैटरी आपकी ये चार्ज होने लगी, अब ये देखें आप, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, एक ही बार में आप दोनों बैटरी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, चार्जिंग वाली और 9 वोल्ट। अब ये देखें आप, ठीक है, ये वाली बैटरी जो है इसको आप कम से कम 2 घंटे तक लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा एम्पियर नहीं होती इस वाले में, ठीक है। इसमें है सिर्फ 1.2 एम्पियर डिग्री निकालती है करें, तो ठीक है। तो आपको एक तो ये लग गई आपकी और एक ये आपकी लग जाएगी ब्लैक वाला आपका, ये लिखा माइनर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, और रेड वाला आपका यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो एक ही एडाप्टर से आप दोनों बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें ज्ञान नहीं होता है, तो क्या करते हैं कि 9 वोल्ट की बैटरी ले जाते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण
वो समझते हैं ये बैटरी बेकार हो गई, उन्हें दोबारा खरीदनी पड़ती है। तो इस प्रकार की डिब्बी बना लें वो, तो ये भी बैटरी आपकी 9 वोल्ट वाली ही चार्ज हो जाएगी, जो चार्ज नहीं होती लेकिन त्वरित चार्ज हो जाने के कारण पुनः एक बार फिर चार्ज हो जाती है, यानी 3 या 4 बार इसको चार्ज कर सकते हैं। और जो तो ऑलरेडी चार्जिंग है, चार्जिंग बैटरी होती तो ये भी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रकार की आप डिवाइस बना लें। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही, आप सभी लोगों को अपने चैनल पर बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट सिस्टम डिवाइस के बारे में बताता हूँ। तो प्लीज़ यदि आपका दिल चाहे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थोड़ा गला खराब है जुकाम के कारण, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हूँ और आपको वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक नई चीज़ कोई पहुँच जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसको फिर हम ट्राई करते हैं। अब थोड़ा हमने इसको लॉन्ग टाइम दिया तो ये देखें आप लोग क्या स्थिति बनती है इसकी। ये देखो ठीक है, चार्ज हो गई आपकी। तो इस प्रकार से आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। एक बार पुनः आप लोगों को चेक कराएं, थोड़ा टाइम तक ये लगी हुई है, ये देखें आप लोग, देखा आप लोगों, ठीक है। तो इस वाली डिवाइस को आप ज़रूर बना लें, बहुत ही बढ़िया बेटर काम करेगी आपके लिए।